हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन। तो आज मैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ आपका संडे बहुत अच्छा बनाने के लिए आ गया हूँ। ये देखिए क्या है मेरे हाथ में, अभी आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको आइडिया होगा तो क्या है आपको पता चल गया होगा। तो बहुत ही एंटिसिपेटेड और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। ये वीडियो होने वाली है डिग्री और मार्कशीट की अनबॉक्सिंग वीडियो, जो आप लोग काफ़ी, मैंने एक पोल भी डाला था, ठीक है, अच्छा खासा उतना रिस्पॉन्स तो नहीं आप लोगों ने दिया, ने सब्सक्राइबर नहीं है इस वजह से शायद, लेकिन मैं फिर ये वीडियो लेके आ गया हूँ। मुझे लग रहा है ये आपके काफ़ी काम की आएगी। आप लोग बहुत देखना चाह रहे थे कि डिग्री में क्या लिखा होता है, कि बैग से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती हैं या नहीं लिखी होती हैं, मार्कशीट में कौन सी डिटेल होती है, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, 9-10 मिनट की देखने को मिल जाए, लेकिन आपको इसमें काफ़ी आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, जो जो आपको डाउट्स थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप ऐसी अपडेट जो भी AKTU और आपकी यूनिवर्सिटी या बाकी जो भी अपडेट्स हो आप मिस ना करो और आप देख पाओ और जेन्यून अपडेट्स देख पाओ। तो चलिए आपको बिना देर के आपको ले चलता हूँ इस बॉक्स की तरफ जो AKTU की तरफ से मुझे मिला है। ये इस तरह का आपको पैकिंग देखने को मिल जाएगी AKTU की तरफ से जब आपको डिग्री मिलेगी। तो ये बिल्कुल सेम है, देखो इस तरह से पैक किया हुआ, पैकिंग तो ठीक ही है। तो पैकिंग में ये रहेगा और ऊपर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आप ऊपर में देख पा रहे हो, ये देखो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्टिकर आप देख पाओ, ये स्टिकर जो दिख रहा है ना, इसमें आप में क्या क्या डिटेल ली हुई है। इसमें आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा, टॉप में नाम लिखा हुआ है सबसे पहले, रोल नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले, आपका जो रोल नंबर यूनिवर्सिटी का जिस पे आप एग्ज़ाम देते हो, जो रोल नंबर है आपका। उसके अलावा उसके नीचे आपको एक नाम देखने को मिल जाएगा, वो आपका नाम होगा। देन उसके नीचे अगर आए हैं अगर आप, तो आपके फादर नेम लिखा हुआ है, पापा का नाम लिखा होगा। देन उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ, जो आपका एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस आपको ध्यान से, आपको अब जब भी अभी भी पढ़ रहे हो अगर, तो एड्रेस आपको बिल्कुल सही देना, क्योंकि एड्रेस पर ही डिलीवर होती है डिग्री। तो डिग्री आपके घर ही आती है, तो एड्रेस आप बिल्कुल सही दो, नहीं तो डिग्री आपकी वापस चली जाएगी। यहाँ लिखा भी हुआ है लास्ट में, क्या लिखा हुआ है, इफ़ नॉट डिलीवर्ड प्लीज़ रिटर्न टू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वो एड्रेस लिखा हुआ। अगर डिलीवर नहीं हुआ उस एड्रेस पे जिन्होंने दिया है, देन उसको उस एड्रेस पे वापस चली जाएगी। तो ये लिखा हुआ है। तो डिग्री, अब इसको चलिए ओपन करके बिना टाइम पास किए आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या डिग्री के अंदर कैसे AKTU डिग्री अपनी भेजता है। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ, बॉक्स को ओपन ही है ऑलरेडी, मैंने ओपन कर रखा था। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है, ये दो चीज़ें इसके अंदर मुझे देखने मिल गई। ये वो शानदार चीज़ है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो ये AKTU की डिग्री है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, डिग्री है। इसके नीचे आपको और तो कुछ नहीं दिया हुआ, एक कवर दिया हुआ है, ये कवर है ताकि आपकी टीयर और वीयर से बच जाए, आपकी डिग्री फटे वटे ना, उस वजह से ये कवर दिया हुआ अच्छा है, इसकी ठीक दिया था इसको। चलो इसको साइड में करते हैं, आपकी डिग्री की बात करते हैं। तो ये रही वो डिग्री। अब डिग्री में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पहले फ्रंट पेज से डिटेल से ले चलता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले ना आपको ऊपर साइड में आपको एक डिग्री सीरियल नंबर मिल जाएगा जो यूनिक होता होगा हर डिग्री के हिसाब से। देन उसके बगल में इनरोलमेंट नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर जो आपका होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इनरोलमेंट नंबर के बगल में आप देखोगे तो रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ टॉप राइट में, ये देखो ये ना, ये जो ऑप्शन है ये रोल नंबर लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है राउंड में और यूनिवर्सिटी का लोगो देख पा रहे हो आप। उसके अलावा इसमें नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए नाम लिखा होगा यहाँ पे, आप देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, आप देख लो क्या क्या डिटेल है। नाम है, देन उसके अंदर आपके बाद, उसके बाद ब्रांच लिखी हुई है और आपने कौन से, जैसे ऑनर्स में या फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स जो भी आपने लाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें ऊपर यहाँ हिंदी में लिखी हुई है ना, उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश वाला मैं पढ़ता हूँ, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। कि इन्होंने लिखा क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, फॉर्मली उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यानी कि UPTU, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द एकेडमिक काउंसिल द यूनिवर्सिटी हेयर बाई कन्फर्म्स द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रांच आपका नाम अपॉन आपका नाम हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाई यूनिवर्सिटी फॉर द अवार्ड ऑफ दिस डिग्री इन। तो इस डिग्री में ना ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद नीचे आपके जो डिवीज़न है आपने वो जो लाया है वो लिखा होगा। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डिवीज़न विथ ऑनर्स, और आपका साल कौन से साल में आप लाए हो, और यहाँ पे और नीचे आपका जो वाइस चांसलर है उनके साइन और वो देखने को मिल जाएगा आपको फेसिमाइल। उसके बाद आप देखो ना इस डिग्री पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप सबको डाउट थी वो मैं क्लियर करता हूँ। इस डिग्री पर कहीं भी मार्क्स नहीं लिखे हुए, कोई CGPA कोई SGPA नहीं लिखा हुआ है, आपने कितना लाया वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं मेंशन है, और ईयर लिखा हुआ है। इसमें लिखा क्या मैं आपको बता दूँ, तो दो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपका नाम वो होना चाहिए, आप कौन सी ब्रांच से किए हैं, कौन सा ईयर, और आपने क्या मतलब वो लाया फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न, वो डिवीज़न लिखा हुआ है। उसके अलावा आप ना इसमें
आपको कोई आपका बैक या जो आपके डाउट्स थे वो ऐसी कोई चीज़ नंबर वंबर तो दिया ही नहीं है कि कितने नंबर आपने लाए, कितना टोटल था, ये चीज़ें इस डिग्री पे मेंशन नहीं। इसमें सिंपली इन्होंने एक सर्टिफिकेट नहीं हम लेते हैं जो सर्टिफाई करता है कि आपने फलाना कोर्स या कुछ कंप्लीट किया है, कुल मिला के डिग्री में बस वही चीज़ें हैं। और आप पीछे साइड में जाओगे ना डिग्री के पीछे साइड में, तो पीछे साइड में देखो क्या है, तो पीछे साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आपके कॉलेज का नाम। और ये भी एक मेंशन वाली बात है कि फ्रंट पेज पे कॉलेज का कहीं भी नाम लिखा हुआ है, डिग्री का जो पहला पेज है तो इस पे आप कहीं भी आप नहीं देख सकते, कॉलेज का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पीछे साइड में आपको नाम देखने को मिल जाएगा कॉलेज का। एक और बात, आपको जब डिग्री मिले तो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है एक स्पेस है, ये देखो ये वाला, इसमें आपको अपने कॉलेज के डायरेक्टर का स्टैंप साइन कराना और डेट लिखवानी है, ये जरूर आप कराना। डिग्री आपको घर पे भी रिसीव होती है पर आपको एक बार कॉलेज जाना ही पड़ेगा ये कराने के लिए, तो इवन मैंने खुद अब तक नहीं कराया है, तो आप ज़रूर करा लेना इसको ध्यान से उसके, क्योंकि अब कह रखा है तो आपको कराना चाहिए, तो करा लेना ये डायरेक्टर के साइन और डेट डलवा लेना। तो ये डिग्री की बात हो गई, डिग्री में आपने देख लिया ये डिग्री थी, इसके अंदर आपने डिटेल भी देख ली कि क्या क्या डिटेल्स थी। तो चलो अब डिग्री की बात हटाते हैं, मार्कशीट पे आते हैं। मार्कशीट आपको दिखाता हूँ, मार्कशीट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये रही मार्कशीट्स, आप देखो मार्कशीट्स, ये मार्कशीट हैं जिनके लिए आप पढ़ रहे हो। तो मार्कशीट तो अभी भी आपने शायद हो सकता है देखी हो, मार्कशीट आती रहती है, जैसे फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर खत्म हुआ तो फर्स्ट ईयर की आ जाती है, कॉलेज वाले देते नहीं ऑल दो, पर मार्कशीट आती है। तो ये रही मार्कशीट, मार्कशीट की बात कर लेते हैं। तो सारी तो मार्कशीट सेम ही है, मतलब सेम चीज़ें लिखी, तो मैं फाइनल ईयर वाली दिखाता हूँ आपको, फाइनल ईयर की मार्कशीट ये रही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि उसमें ना फाइनल की मार्कशीट अगर आप देखो तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी का नाम टॉप पे, देन इसमें आपका ब्रांच लिखा हुआ है, आपका नाम, पापा का नाम, रोल नंबर लिखा हुआ है इस साइड में, और उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखा क्या है, इसमें आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको नंबर कहीं नहीं दिखाई देगा, नंबर नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं सेमेस्टर वाइज प्रैक्टिकल, देन उसमें कितने टोटल क्रेडिट थे और साइड में ग्रेड आपने कितने लाए। तो इसमें मार्क्स तो नहीं लिखे हैं दोस्तों, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है ग्रेड लिखे हुए हैं, और ग्रेड से पता चलता है कि आप फेल हो पास हो क्या हो। तो एक बात तो मार्कशीट से क्लियर हो रही है, एक मार्कशीट से क्लियर क्या हो रही है कि अगर आप फेल हो इनकेस किसी सब्जेक्ट में तो एफ लिख के दे देंगे मार्कशीट में, साफ सी बात है। तो एफ का मतलब क्या हुआ, फेल ही हो, इसका मतलब आप, तो जो ग्रेड लिखा हुआ है आप कितने लाए हो, आप देखो इस तरफ, आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए हैं, ये सारे ग्रेड लिखे हुए हैं, इधर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ग्रेड में तो क्लियर ही हो जाएगा अगर आप फेल हो तो एफ लिख के आ जाएगा। तो मार्कशीट से तो आपको क्लियर हो जाना है कि कौन सा फेल हो कौन सा ग्रेड लाया, तो वो पता चल जाएगा। और इवन ना आप पीछे साइड में अगर आप देखने जाओ ना तो ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रेड कितने नंबर पे देते हैं, फेल पास या कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड देते हैं, वो भी लिखा हुआ है, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है। तो फाइनल ईयर मार्कशीट बाकियों से इस तरह से यूनिक भी है एक तरह से, क्योंकि इसमें सारे सेमेस्टर्स की डिटेल आप नीचे साइड में देखो, ये सारे सेमेस्टर की सेमेस्टर वाइज डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारे सेमेस्टर की डिटेल इन्होंने लिख दी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने SGPA लाए और ओवरऑल इन दिन रिजल्ट भी लिखा हुआ है, CGPA कितना ओवरऑल बना आपका। तो फाइनल ईयर मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको दिखा सकते हो कि कितना लाए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनल ईयर की मार्कशीट। तो इस मार्कशीट में आपको ये तो क्लियर हो गया कि क्या क्या डिटेल, ग्रेड, क्रेडिट, तो ग्रेड इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेड आप कितना लाया वो इसमें लिखा हुआ है, देन इसमें और कुछ नहीं है। तो ये डिग्री और मार्कशीट दोनों की बात हो गई। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलग से दे देता हूँ कि अगर मान लो आपने जैसे ना होता है कि स्टार्टिंग में डिग्री जैसे फाइनल ईयर में उनको ना मिली हो, तो मान लो वो क्या कर सकते हैं, तो आपको ये प्रोविजनल डिग्री का आइडिया होगा, हो सकता है, तो कॉलेज से आप इसको ले सकते हो, जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो ये प्रोविजनल डिग्री होती है, इसकी वैल्यू भी उसी डिग्री के बराबर होती है, ये यूनिवर्सिटी पहले जारी कर देता है फाइनल ईयर वालों के लिए, कि हो सकता है क्योंकि मार्कशीट इसकी डेट देखो तो ये सितंबर में मुझे मिल गया था और जो ओरिजिनल डिग्री है वो जनवरी में मिली थी, आप सोचो अगर उसके बीच में मुझे नीड पड़ जाती तो मैं कहाँ से लाता, तो उस वजह से ये प्रोविजनल डिग्री काम आ सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कॉलेज से लेना वो दे देते हैं, इसकी वैल्यू भी सेम होती है। उसके अलावा एक और चीज़, ये आप देख पा रहे हो ना, एक डिग्री ही आपको दिख रही होगी, डिग्री की कॉपी इंटरनेट कॉपी है, तो ये क्या है, ये भी उतनी वैल्यू रखती है, बताओ कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपने मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ जाएगी, आप चाहो ना तो अपनी डिग्री आप डाउनलोड कर सकते हो डिजी लॉकर, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी डिग्री आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे होता क्या है ना, जैसे बाहर हो आप कभी तो उसको इंटरनेट कॉपी आप साइन वेरीफाई करके प्रिंट करा सकते हो, तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी, उसी डिग्री के बराबर होगी, तो ये इमरजेंसी सेवा में आपको काम आ सकती है। तो ये मैंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कैसे डाउनलोड करो, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो डिग्री अपनी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो आप डिग्री वो डाउनलोड करके। मैं तो बोलूँगा रख लो डिजी लॉकर में, फ़ोन में रहेगा तो काम ही आता है हमेशा डिग्री विग्री, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मार्कशीट भी इवन डाउनलोड हो सकती है वहाँ से, तो ये कॉपी भी आपकी काम आ जाएगी, इंटरनेट कॉपी है तो वहीं डिजी लॉकर वाली, तो आप इसको भी कर सकते हो, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है।
तो इस वीडियो में मतलब मैंने आपको सारी डाउट्स क्लियर कर दी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको आपके डाउट्स या जो भी थे डिग्री या मार्कशीट से रिलेटेड, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी हो। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए, अच्छी वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।